केजरीवाल दिल्लीचं मुख्यमंत्री पद सोडणार आहे। दोन दिवसांमध्ये मुख्यमंत्री पदाचा ते राजीनामा देतील। अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीमध्ये एका कार्यक्रमात ही घोषणा केली। महाराष्ट्रासोबत दिल्ली विधानसभेची निवडणूक घ्या असं केजरीवाल यांनी म्हटलेलं आहे। महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय, अरविंद केजरीवाल दिल्लीचं मुख्यमंत्री पद सोडणार आहे। दोन दिवसात मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली आहे। अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीमधील एका कार्यक्रमात ही घोषणा केली। महाराष्ट्रासोबत दिल्ली विधानसभेची निवडणूक घ्या असं केजरीवाल यांनी म्हटलं। दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया दो दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले दो तीन दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे का फैसला उस दर्द से आया है कि कहीं कोई ऐसा दिल्ली वाला ना हो जो सोच रहा हो कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, जो सोच रहा हो कि मैंने जनता का पैसा खाया है। अरविंद केजरीवाल को पिछले दो साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार प्रताड़ित कर रही है, एक के बाद एक केस, एक के बाद एक झूठे आरोप। लेकिन पिछले दो साल में वो आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता से भ्रष्टाचार का एक रुपया भी बरामद नहीं कर पाए। ये है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी, ये है अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी। अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे। अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं हमारे लिए। चाहे दिल्ली ठप हो जाए, झुग्गी में सेवा न जाए, पानी न जाए, अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता था वो चुने नहीं गए हैं, जैसे लगता वो राज गद्दी पर बैठे हैं। तो ये सारे चीजों का आज पटाक्षेप हुआ है। चलो दो दिन बाद इस्तीफा होगा, लेकिन ये संविधान की बहुत बड़ी जीत हुई है। लोकशाही मराठी, ऐका पहा जागरूक रहा।